वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और अभी हम लोग खड़े हैं नौली चौक पे, जो कि मुसहरी प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिले का जो स्थित है। तो आपको पता है कि हमारा जो नौली चौक है वो पहले से काफ़ी डेवलप पे है, लेकिन अब यहाँ पे नौली चौक पे डेवलपमेंट के लिए एक और कदम उठाया गया है। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ही एक मॉल का जो ओपनिंग हुआ है, ग्रांड ओपनिंग हुआ है, जिसका नाम है स्मार्ट पॉइंट। हम लोग आप लोग को दिखाते हैं और आगे चल के फिर बात करते हैं। आप देख सकते हैं उसका जो स्मार्ट पॉइंट का जो बैनर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बलून से पूरा डेकोरेट किया गया है। और ये मेन गेट है और अंदर भी हम आप लोग को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं स्मार्ट पॉइंट का जो मॉल का ओपनिंग हुआ बहुत उत्साहपूर्ण हुआ है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर जाते ही पहले तो काउंटर है और ट्रॉली रखे हुए हैं ताकि सामान को हर जैसे कि हर मॉल में होता है। और गेट पे फ्रिज रखा हुआ है। अब लोग देख सकते हैं स्टाफ भी यहाँ पे ज़्यादा है और आज भीड़ भी काफ़ी उभर पड़ी है। और देखिए पहले तो हम आपको वन बाई वन करके दिखाते हैं। देखिए सामने हमारी भीड़ भी आज गाँव में मॉल खुली है और यहाँ पर 5% लेस है MRP यहाँ का। चाहे कोई भी सामान लीजिए 5% लेस करके आपको दिया जाएगा सामान, जो कि PNM मॉल में भी, जो कि बिला में मॉल है, उसी के तरह यहाँ पे सारा सेटअप है और बिल्कुल मॉल वैसा ही है। आप लोग देख सकते हैं सामने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक सारा रखा हुआ है और घर के चीज़ों में जनरल यूज में आने वाली सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और हमारे सामने कुछ दोस्त हैं तो आप उनसे भी मिलिए। सामने हैं विवेक सरकार, और विवेक सरकार हैं उनके फिर दोस्त हैं, कोई छोड़िए। तो हम लोग आपको दिखाते हैं मॉल। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि स्मार्ट पॉइंट का जो यहाँ पे ओपनिंग हुआ है नौली चौक पे, इससे क्या राहत मिली है और क्या क्या डेवलपमेंट होगा नौली चौक पे। यहाँ पे जो मॉल का जो आज ओपनिंग हुआ है, ग्रांड ओपनिंग है, तो इससे क्या क्या डेवलपमेंट होगी नौली चौक पे, आप कुछ बताइए। देखिए यहाँ पे नौली चौक पे जो है सो बहुत सारे ऐसा दुकानदार है जो मनमाना रेट लेता है, ठीक है। तो इससे होगा कि कस्टमर को सुविधा भी होगा, एक जगह सारा सामान मिल जाएगा। अभी 5% डिस्काउंट चल रहा है सामान से, तो हम लोग को ऐसा बहुत सुविधा मिलेगा कि हर जगह पर एक जगह पे सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है। और रेट भी ठीक ठाक ही रहता है, और थोड़ा सा ज़्यादा रहता तो हर जगह का मॉल का क्या इतना रहता है, लेकिन बहुत सुविधा मिलेगा ग्रामीण लोगों को, ठीक है। धन्यवाद, आपसे बात करके खुशी हुई। तो ये जो मॉल का जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ नौली चौक पे, तो इससे नौली चौक में क्या डेवलपमेंट आया है, ये लोगों का क्या क्या सामान यहाँ पे अवेलेबल है, आप कुछ बताइए। मेरे ख्याल से कहा जाए कि अब शहरी विकास को देखते हुए हमारे गांवों में इतना डेवलप हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे गाँवों में भी बहुत सारी मतलब विकसित सुविधा हो रही है। तो हमें खुशी हो रही है कि जो मतलब यहाँ से इतने सस्ते दामों में मतलब सारी सामग्रियों का उपलब्धि हो जाती है, तो अब इससे भी खुशी बात और क्या है। तो कुछ लोगों का कहना था कि सिटी को स्मार्ट करने से पहले गांवों को स्मार्ट किया जाए, जो कि आज हो रहा है। हमारे गांव में एक मॉल खुल रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पे शहर का भी विकास हो रहा है और स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बन रहा है। इसके पीछे का एक आप लोग को अभी आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में एक छोटा सा मॉल खुला है, तो गांव के लोग कितने उत्साहित होकर के यहां पे भीड़ों में आए हुए हैं, झुंड में आए हुए हैं यहां पे देखने के लिए। तो देखिए यहां पे 4500 रुपये किलो चीनी है, जो कि यहां पे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, पर मॉल है। और आप लोग देख सकते हैं चावल और दाल और तरह तरह के और भी घरेलू यूज में जो खाने और पीने का जो आइटम है वो यहाँ पर सारा अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ का जो दृश्य है वो देखें और ये सारे सामान खरीद कर ले जाएँ। इस सब पे कोई ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र हमारे जो पैकेट में के अंदर आते हैं उसके अंदर ऑफ़र, जैसे यहाँ पे जो पैकेट के अंदर है इंडिया गेट के चावल, तो इस पे कुछ ऑफ़र आ सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ से सामान खरीदा तो जा ही रहा है, पर एक फ़ोटो का भी यहाँ पे जोश है, फ़ोटो भी ले जाएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कि ट्रॉली लेकर के शॉपिंग करेंगे। देखिए
आगे आप लोग और भी देख सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, ज़्यादा लोग तो यहाँ पे गांव के हैं जो कि मॉल को देखने के लिए आए हैं, जिन्होंने कभी मॉल पहले देखा नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।